Light, sound, camera, and comedy. Wow, comedy yani jhoothi ki comedy. Wow. Okay, aaj bhi hoga full to kamal. In short, comedy ki barish. Barish isliye keh rahi hoon kyunki barish ka mausam hai na. My God, main kitni clever ho gayi hoon. Chalo koi nahi, wo to main bachpan se clever hoon. You know friends, प्रोग्राम तो शुरू हो चुका है और जो प्रोग्राम शुरू होता है आपको तो पता है सुविचार। तो आज का सुविचार ये है, यू नो मोबाइल का नेटवर्क भले ही 3G या 4G हो पर संसार का नेटवर्क शिव जी से ही चलता है। वाओ, व्हाट अ सुविचार। यू नो फ्रेंड्स, कुछ लोगों का ये मानना है कि जिन लड़कियों को अपने फोन की बैटरी से लो बैकअप की समस्या है वो चाहे तो अपनी बैटरी की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का उपवास रख सकती हैं। माय गॉड। यू नो फ्रेंड्स, कुछ पतियों का ये भी कहना है कि पंडित जी की कथा और बीवी की बातें एक जैसी होती है, समझ में ज्यादा कुछ नहीं आता फिर भी ध्यान लगाकर सुनने का नाटक करना पड़ता है। वाओ। यू नो फ्रेंड्स, एक दिन एक पत्नी ने अपने पति से बोली, सुनो जी सुनो, मैं मोटी हो रही हूं ना। पति बोला, क्या बकवास कर रही हो। पत्नी मुस्कुराने लगी। पति बोला, इतने खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम हमेशा से मोटी थी, मोटी हो और मोटी ही रहोगी। ये सुनने के बाद में कमरे में खामोशी छा गई। यू नो फ्रेंड्स, एक बार पप्पू ट्रेन में सफर कर रहा था। ट्रेन में बहुत भीड़ थी, भीड़ होने के कारण पप्पू एक गंजे आदमी के सीट पर बैठ गया। गंजे आदमी को बड़ा गुस्सा आया। गंजे आदमी ने पप्पू से कहा, सीट पर क्यों बैठे हो, मेरे सर पर बैठ जा, सर पर बैठ जा। पप्पू बोला, नहीं अंकल, मैं यहीं ठीक हूँ, अगर मैं आपके सर पे बैठ गया तो फिसलने का डर है। पता नहीं अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि हलवा पूरी होती है, शेव पूरी होती है, पानी पूरी होती है, लेकिन नींद पूरी नहीं होती इस व्हाट्सएप के चक्कर में। यू नो फ्रेंड्स, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर लोग आपको अनसुना करें तो कृपया करके चेक कर ले कि सामने वाले के कान में ईयरफोन तो नहीं। वाओ। यू नो फ्रेंड्स, कुछ लोगों का ये मानना है कि वो तो शुक्र है व्हाट्सएप हिंदी में नहीं है, वरना लास्ट सीन को लोग अंतिम दर्शन कहते। खैर, लोगों का काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे। ओके, कमिंग टू द पॉइंट, एक दिन एक पत्नी ने अपने पति से बोली, सुनो जी सुनो, चलो ना आज कहीं बाहर घूम के आते हैं और हमारी नई कार लेकर जाते हैं, लेकिन कार मैं चलाऊंगी। ये सुनकर पति बोला, इसका मतलब हम जाएंगे कार में और आएंगे अखबार में। यू नो फ्रेंड्स, अभी शाम होने वाली है, मुझे घर भी जाना है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस कर दी हूं कि कल मैं जरूर आऊंगी और आप लोगों का खूब सारा मनोरंजन भी करूंगी। वाओ। आज का ज्ञान ये है, जिंदगी में खुश रहने का सादा और सरल एक ही उपाय है, वो ये, उम्मीद सिर्फ अपने आप से रखें, दूसरों से नहीं। वाओ, व्हाट अ ज्ञान। जाते जाते आप लोगों से यही कहना चाहूंगी, जब भी आप बाइक चलाएं तो हेलमेट जरूर पहने, और जब भी आप कार चलाएं, ओके, ज्यादा स्पीड में मत चलाएं क्योंकि बारिश का मौसम है, ओके, और सीट बेल्ट जरूर लगाएं। गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात ना करें,
अगर आप गाड़ी चला रहे हो और पीछे से एम्बुलेंस आ रही हो तो प्लीज 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 एम्बुलेंस को पहले जाने दो, सिग्नल का पालन करो, ओके, और एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज अदा करो, क्योंकि वो कहते हैं ना, नजर हटी घर में शेवपुरी बटी। वाओ, ओके, और क्या कहना था मुझे, हाँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल नवी मुंबई आवाज, अपनी आवाज बा